हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस वर्ल्ड। सीबीएसई अपडेट्स चाहिए तो, इग्नू अपडेट्स चाहिए तो, एंड अगर ट्वेल्थ की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करें बिजनेस वर्ल्ड को। सो गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन विद अवर ऑल द टाइप्स ऑफ द प्लान, राइट? तो अगर आप प्लान के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। नाउ गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लान, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड द पॉलिसीज। गाइस, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑफ डिफरेंस प्रोवाइड करूँगी, बट डिफरेंस हमें लिखना कैसे है एग्ज़ाम में, इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। गाइस, डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, मैं आपको बेसिस बता रही हूँ, मतलब वो फैक्टर्स जिनको हम कंसिडर करेंगे डिफरेंस बताने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास आता है मीनिंग। गाइस, अगर मैं पॉलिसी की बात करूँ तो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का, राइट? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इन द सिंपल टर्म्स कैन बी डिफाइंड एज गोल्स एंड एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मीनिंग हो गया। सेकेंड हमारे पास आता है गाइज ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसिस या सिचुएशन फेस करती है जहाँ पर उसको लगता है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है, तो एटलीस्ट उसके पास एक रेडी प्लान हो उससे डील करने के लिए। सो गाइज, पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक वे हो किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने तरीके से। अब गाइज, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन गोल या एम सेट करता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एक बेस प्रोवाइड करना चाहता है मैनेजमेंट को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोटिवेशन के साथ वर्क करे, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज स्कोप। अगर मैं पॉलिसी की बात करती हूँ तो इट इज़ नैरो इन स्कोप, बट इफ़ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव इट इज़ ब्रॉडर इन स्कोप। रीज़न, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही हमारे बाकी जो भी प्लान्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो इसके ऊपर बेस्ड हैं। नेक्स्ट आता है गाइस फॉर्मेशन। देखो, पॉलिसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल जो है पॉलिसीज़ बना लेता है, तो कभी टॉप लेवल ने बनाई, मिडल लेवल ने बनाई, लोअर लेवल ने बनाई, बट ऑब्जेक्टिव्स हमेशा कौन सेटअप करता है? टॉप लेवल सेटअप करता है, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द अदर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट अदर लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो फॉर्म नहीं करते ऑब्जेक्टिव्स को, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस डिस्क्रिप्शन। पॉलिसी डिस्क्राइब करता है How a work is to be done and objective ये बताता है कि what is to be done। Objective में आपने goal सेटअप किया, aim सेटअप किया, तभी तो आपको पता लगा कि मुझे करना क्या है, fine। Next हमारे पास आता है guys nature। अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो गाइस, पॉलिसी जो है ना वो डायनामिक है नेचर में। डायनामिक कैसे है? मान लीजिए कि आपने एक सिचुएशन को डील करने के लिए एक पॉलिसी बनाई, ठीक है, बट आपको लगता है कि यार ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो आप चेंज उसके अंदर लेके आ सकते हो, बट गाइस आपको लगता है कि गोल और एम के अंदर चेंज लाना इतना आसान है, तो इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना गाइस, ये थोड़े रिजिड होते हैं नेचर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेक्सिबिलिटी। पॉलिसीज फ्लेक्सिबल हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला सकते हो, लाना चाहते हो तो, लेकिन गाइस जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये रिजिड होते हैं, ये स्ट्रिक्टली बनाए जाते हैं, इसमें आप अपनी चॉइस के हिसाब से चेंजेस नहीं ला सकते, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस इम्पॉर्टेंस। पॉलिसी की इम्पॉर्टेंस क्या है? देखो, अगर आपके पास एक पॉलिसी है तो वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, मतलब कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है, किसी भी तरह का अनवांटेड सर्कमस्टेंस अगर आता है तो उसको इफेक्टिवली डील करने में हेल्प करती है,
एंड ऑब्जेक्टिव की इम्पॉर्टेंस क्या है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल, एक एम प्रोवाइड कर आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है, आपको एनकरेज करता है कि हाँ भाई आप काम करो, आपका एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारा डिफरेंस रहेगा एग्जाम्पल। अगर मैं पॉलिसी में बात करूँ तो मान लीजिए प्रोडक्शन पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एग्जाम्पल हो गया पॉलिसी का। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करना चाहती हूँ तो मान लीजिए इंक्रीज इन द सेल्स बाय 20% विद इन 3 months, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। सो गाइज, होपफुली ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। ये गाइज सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है, बट इन्हें एग्जाम्स में आप कैसे लिख कर आएंगे, क्या हमारा वे होता है डिफरेंस को प्रेजेंट करने का, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। सो गाइज, थैंक यू एंड बाय एवरीवन।